नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पुलिस थाने से हटेंगे खटारा वाहन। बिहार में विशेष अभियान चलाकर पोलियो के खिलाफ होगी जंग। 13 जून तक पहुंच सकता है मॉनसून। कृषि यंत्रों पर मनमानी वसूली नहीं कर पाएंगे पैक्स। बीसीसीआई ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी जर्सी। गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पुलिस थाने से हटेंगे खटारा वाहन। मालूम हो कि बिहार में 15 साल पुरानी किसी भी तरह के वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में बिहार के पुलिस महकमे को भी इसका पूरा ध्यान देना होगा। इसके मद्देनजर पुलिस महकमे ने पुराने वाहनों को बदलने से संबंधित रणनीति तैयार कर ली है। इस नीति के तहत सभी पुराने वाहनों को चरणवार तरीके से बदलने की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वाहनों की खरीद की जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों से पुराने और खटारा वाहनों की सूची मांगी गई है ताकि उन्हें बदलने को लेकर पहल की जा सके। सभी पुराने वाहनों को आने वाले 4 से 6 महीने में प्राथमिकता के आधार पर परिचालन से हटा दिया जाएगा। गांधी सेतु के पूर्वी लेन की उद्घाटन प्रक्रिया हुई शुरू। राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है। गांधी सेतु का पूर्वी लेन बनकर तैयार हो गया है और अब महज 1 हफ्ता बचा है जब सेतु के पूर्वी लेन पर गाड़ियां दौड़ेंगी। आपको बता दें कि आगामी 7 जून को गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन होना है। 20 महीना यानी 2 साल से कम समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। मालूम हो कि 1 अक्टूबर 2020 को इसका निर्माण शुरू हुआ, जो पिचिंग और पेंटिंग पूरा होने के साथ ही रविवार को 100% पूरा हो गया और रविवार से इसके उद्घाटन की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरे शहरों में नहीं जा पा रही लीची की बड़ी खेप। देश के बड़े बड़े शहर महानगर में बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची की डिमांड होने के बावजूद भी बिहार के किसानों की लीची दरभंगा एयरपोर्ट से बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल सुरक्षा कारणों से दरभंगा एयरपोर्ट से दूसरी शिफ्ट में लीची इन शहरों में नहीं जा पा रही है। आपको बता दें कि रोजाना 12 टन लीची दरभंगा एयरपोर्ट से भेजनी है, लेकिन अब महज मुश्किल से 1 से 2 टन लीची फ्लाइट से भेजी जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी कमाई मारी जा रही है। इसको देखते हुए संघ के माध्यम से किसान, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्थानीय सांसद हस्तक्षेप की मांग भी कर रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा शुरू होने से 40 से 45 मिनट पहले आरा से प्रश्न पत्र हुआ था लीक। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में खुफिया एजेंसी लगातार इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच कई अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन आखिर अंजाम तक पहुंच अभी नहीं सका है। इस क्रम में लखीसराय के मेदनी चौक की पुलिस ने बीपीएससी पेपर लीक मामले में रवीश डॉन और मनोज उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कनेक्शन की पुख्ता जानकारी होने के बाद ही पुलिस की सक्रियता रवीश डॉन को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ी है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक रवीश ने कहा है कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा शुरू होने से लगभग 40 से 45 मिनट पहले आरा से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 13 जून तक पहुंच सकता है मॉनसून। बिहार में पूर्वी और दक्षिणी हवा की मजबूत स्थिति बनी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार केरल में मॉनसून ने रविवार को दस्तक दे दी है, जिसका असर बिहार पर भी पड़ने लगा है। बिहार में भी मानक समय से पहले मॉनसून आने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञानियों की माने तो बीते 2 साल में मॉनसून ने प्रदेश में समय से पूर्व दस्तक दिया था। इसको देखते हुए उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार में सोमवार को कुछ जगहों पर मध्यम बारिश देखने को मिली। वहीं कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और बिजली भी चमकी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्णिया में मॉनसून 13 जून तक पहुंच सकता है। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी दो परीक्षा के लिए पास के जिलों में मिलेंगे परीक्षा केंद्र। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी दो परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। मालूम हो कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी दो परीक्षा देश भर में 12 से 17 जून 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में परीक्षा से 10 दिन पहले यानी 2 जून को एडमिट कार्ड मिल जाने की संभावना है। आपको बता दें कि आरआरबी के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की लेवल 2, 3 और 5 के अभ्यर्थियों की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। सीबीटी दो परीक्षा के लिए इस बार आसपास के जिलों में केंद्र बनाने को तरजीह दी गई है। मालूम हो कि लेवल 4 और 6 की सीबीटी 2 की परीक्षा इसी महीने 9 और 10 मई को हुई थी। कृषि यंत्रों पर मनमानी वसूली नहीं कर पाएंगे पैक्स। अब पैक्सों की मनमानी नहीं चलेगी। पैक्सों में बने कृषि बैंक यंत्र, कृषि यंत्र को किराए पर लेने के लिए किसानों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पैक्सों की मनमानी इसलिए नहीं चलेगी कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कमेटी द्वारा तय किराए पर ही पैक्स को कृषि यंत्र मुहैया कराने होंगे। कीमतों में मनमानी वसूली नहीं कर पाएंगे। कृषि यंत्र किराए पर लेने और ऑनलाइन आवेदन के लिए सहकारिता विभाग नया एप्लीकेशन बना रहा है। 1 महीने में ऐप तैयार होने के बाद इस पर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन होते ही ऐप पर यंत्रों का किराया भी देखने लगेगा, लिहाजा अब इस मामले में पैक्सों की मनमानी भी नहीं चलेगी। भिन्न भिन्न कारणों से विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति में हो रही है देरी। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है।
लेकिन यहां भी यह व्यवस्था विलंब चल रही है। नियुक्ति नहीं होने की वजह से अलग अलग जगहों से अलग अलग आ रही है। कई जगहों पर विवादों की वजह से आवेदन नहीं लिया गया, तो कहीं लिया गया तो आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। वहीं कई विश्वविद्यालय में प्रक्रिया शुरू तो हुई पर मामला कोर्ट में चला गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो यहां करीब 2 वर्षों से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र की अमान्य डिग्री पर बिहार में सैकड़ों शारीरिक शिक्षक हुए चयनित। मालूम हो कि बिहार में 8386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की भर्ती के लिए 28 मई को नियुक्ति पत्र बांटने थे। इस बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर बहाल होने के लिए CPED और BPED को जो डिग्री अमान्य है उस पर बिहार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नियुक्ति होने पर पहुंच गए हैं और ऐसे 100 से अधिक डिग्रीधारी को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। हालांकि इस बात की खबर जैसे ही हुई इस पर तत्काल एक्शन लिया गया है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस डिग्री पर तत्काल नियोजन रोकने का निर्देश भी दिया है। बिहार में विशेष अभियान चलाकर पोलियो के खिलाफ होगी जंग। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगातार पोलियो के नए मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। इन दो देशों में पोलियो के मामले देश के लिए चिंता का विषय है, जिसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष रणनीति बनाकर 2 चक्रों में पोलियो अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले चक्र में 19 से 23 जून और दूसरे चक्र में 18 से 22 सितंबर को पोलियो अभियान चलेगा। विश्व में यदि कहीं भी पोलियो के वायरस है तो अपने देश में खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में विशेष अभियान चलाकर इसका भारी मात्रा में टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन जाएंगी राज्यसभा। बिहार में राज्यसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। फिलहाल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन करवा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इस बीच कांग्रेस ने देश के अलग अलग राज्यों से अपने 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन का भी नाम शामिल है, जो कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की उम्मीदवार चुनी गई है। छत्तीसगढ़ से रंजीत रंजन के अलावा कांग्रेस ने राजीव शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। खीरू महतो ने राज्यसभा सीट के लिए जदयू से दाखिल किया नामांकन। बिहार जदयू में राज्यसभा सीट को लेकर लंबे समय से उठापटक चल रही थी। इस दौरान कई तरह की बातें सामने आई है, जिसमें आरसीपी सिंह की टिकट मिलने और कटने जैसी कितनी ही खबरें मीडिया की सुर्खियों में बनी रही, लेकिन आखिर में आरसीपी सिंह का नाम कट गया और जदयू ने अपने एक कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। आपको बता दें कि झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार में राज्यसभा का उम्मीदवार जदयू की तरफ से बनाया गया है। खीरू महतो ने राज्यसभा सीट के लिए आज नामांकन कर लिया है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद से पूरा जदयू के साथ ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। राजद का भाजपा पर पोस्टर वॉर। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर पुरानी तकनीक है। सत्ता पक्ष या विपक्षों पर हमला करने का और एक बार फिर से यही काम किया गया है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक ओर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल हमलावर है। इस बीच राजद ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल पटना में राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर निशाना साधा गया है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है, मोदी जी के शासन के हुए 8 साल देश की जनता का महंगाई एवं बेरोजगारी से हुआ बुरा हाल। पोस्टर पर महंगाई के साथ ही बड़ी कंपनियों के निजीकरण को लेकर तंज भी कसा गया है। BCCI ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी जर्सी। गिनीज बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। IPL का 15वां सीजन बीते दिन रविवार को गुजरात और राजस्थान के बीच फाइनल मुकाबले के साथ खत्म हुआ। गुजरात ने राजस्थान को 7 विकेट से हराकर IPL 15 का खिताब अपने नाम दर्ज किया। इस फाइनल मैच में बहुत कुछ खास देखने को मिला। BCCI ने अपने नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया है। IPL के 15वें सीजन के फिनाले में पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक विशालकाय जर्सी का प्रदर्शन किया गया। ये जर्सी दुनिया की सबसे बड़ी जर्सी है, जिसके बाद ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ये जर्सी IPL के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, सचिन कुमार, अरुण कुमार, कुलदीप कुमार, महेश दास, नुनु कुमार, सोनी कुमारी, भरत रॉय, कुमार कौशल सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपको भी लगता है कि सरकार शिक्षकों को पढ़ाने की जगह अतिरिक्त काम का बोझ देती है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।